तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज सौरभ, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज, मैं आज भी बॉस के ऑफिस आया हुआ हूँ, देख सकते हो। और रिज़ल्ट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ली। रिज़ल्ट गाइज, ये लोग जो भी कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। रिज़ल्ट की सारी अपडेट मैं देने वाला हूँ। और रिज़ल्ट इन्होंने बोला है कि बहुत ही जल्द आएगा, बिहार बोर्ड की तरफ से इनको इन्फॉर्मेशन मिली है। और रिज़ल्ट जो है, इन लोगों ने मेरे को बताया है। आज मैं देख सकता हूँ, मैं ऑफिस में आया हुआ था और अभी मैं ऑफिस के थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। स्टूडेंट सबको मैं बता देना चाहूँगा कि रिज़ल्ट काफ़ी जल्द आएगा, और बीच में बताऊँगा कि कब तक बोला है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। बिहार बोर्ड, ये भी बॉस का ऑफिस है। रिज़ल्ट इन्होंने बोला कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दे रहा है, तो उनके तरफ से हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैं आपको बताऊँगा, और एग्ज़ाम जून सेशन 2023 और दिसंबर 23 का भी मैंने पता किया है, तो उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ लिया है, ठीक है गाइस। तो सर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी जानकारी जो मिलेगी। ओके, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं गाइस आप लोग। जैसे कि आपको पता होगा, आज मैं बिहार ओपन बोर्ड के ऑफिस गया था और अपने शुरू में देखा वीडियो, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियोस में देने वाला हूँ कि मेरे को क्या जानकारी मिली है भी वो उसके ऑफिस से रिज़ल्ट के बारे में, और जून सेशन 2023 दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है कि उनका एग्ज़ाम डेट शीट एडमिट कार्ड कब आएगा। रिज़ल्ट वाले स्टूडेंट काफ़ी लगातार बेसब्री से अपना इंतज़ार कर रहे हैं, अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ऑफिस गया आज और मैंने पूरा कंफर्म किया, कंफर्म इन्फॉर्मेशन लिया, कंफर्म रिज़ल्ट से रिलेटेड मैंने डेट वगैरह ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइज। ओके गाइज, हमारे चैनल पे ही आपको सारा कुछ जो है पल पल की और 100% अगर जानकारी आपको चाहिए वीवोस की, बिहार बोर्ड की, तो यहीं पे आपको मिलने वाली है। ओके गाइज, रिज़ल्ट की सारी तैयारी चल रही है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। रिज़ल्ट आपका जो है जब भी जारी किया जाएगा, वो सारा कुछ कब जारी किया जाएगा वो मेरे को आज पता चला है। क्या रिज़ल्ट आपका कल आ सकता है, मंगलवार को मंगल हो सकता है आपका, या फिर थोड़ा सा और आपका इंतज़ार बढ़ सकता है आगे की तरफ। तो स्टूडेंट सब की एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ चुकी है कि उनका रिज़ल्ट कब आने वाला है। भाई रिज़ल्ट तो भाई बहुत ही लंबा इंतज़ार हो गया ना, दिसंबर 2022 चला गया, 23 चला गया, 24 आ चुका है और रिज़ल्ट का इंतज़ार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इंतज़ार की घड़ी कितनी और लंबी हो सकती है। इस वीडियोस में मैं आपका इंतज़ार का जो घड़ी कितने दिनों में, कल ख़त्म हो सकता है या 10 तारीख तक ख़त्म हो सकता है, तो सारा कुछ अपडेट मैं इस वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर दीजिए देखिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके गाइज, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, सारी अपडेट मैं 100% ऑथेंटिक और वीवो से लाइव अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बिहार में कहीं भी रहते हैं, बिहार में कहीं से बिलोंग करते हैं, अगर आप वीवोस में पढ़ाई करते हैं, बिहार बोर्ड में करते हैं, तो पटना से हम लोग आपको वीवोस का नज़ारा और वीवोस की सारी अपडेट यहाँ पे हम घर बैठे आपको दिलाते हैं, ठीक है ना गाइज। हमारा चैनल आपको घर बैठे पूरा बिहार के स्टूडेंट का, पटना का जो इन्फॉर्मेशन होता है भी वो उसका, वो हम शेयर कराते हैं, पटना का शेयर कराते हैं, नॉलेज यहाँ पे हम शेयर करते हैं, ठीक है। पटना की भी वो उसकी ऑफिस से यहाँ से आपको हम पूरा नॉलेज अपडेट करवाते हैं, ठीक है ना गाइज। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नए हो तो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक यू सो मच। रिजल्ट आएगा तो डाउनलोड करके बताएगा, जब भी सबको कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो पटना से लाइव ब्रेकिंग हम लोग आपको देते रहेंगे, हर रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है ना गाइज। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, हम लोग जो है पीछे नहीं हटने वाले। ओके गाइज, आप लोगों का रिजल्ट एग्ज़ाम हम लोग जो है एकदम करवाने वाले हैं, ठीक है गाइज, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ, मैं बी बोस के ऑफिस गया था और देखो मैंने एग्जाम रिजल्ट से भी रिलेटेड पूछा, एग्जाम से रिलेटेड भी पूछा। तो रिजल्ट की मैं बात कर लेना वाला हूँ गाइज। तो रिजल्ट देखो, उन लोगों का कहना है, बी बोस वालों का कहना है कि साफ साफ कहना है, अभी मैं ऑफिस से लाइव ब्रेकिंग जो भी मेरे को बताया गया वो मैं बताने वाला हूँ, आज ही की अपडेट है, बिल्कुल 4-5 बजे की अपडेट है। तो मैं आपको बता देने वाला हूँ गाइज कि
वीवो से के ऑफिस से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, उनके स्टाफ वीवोस वालों का जो कहना है, वीवोस के स्टाफ जो कर्मचारी उनका कहना है कि एग्ज़ाम हमारा बिहार बोर्ड ले रहा है, बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी कर रहा है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो है हम वीवोस को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो बोल रहे हैं कि एक एक 1 वीक के अंदर, 3-4 दिन पहले भी मैं गया था तो 1 वीक के अंदर इन लोगों ने मेरे को बताया था कि 1 वीक के अंदर रिजल्ट तैयार हो गया और रिजल्ट जारी होगा। बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। और बिहार बोर्ड वालों ने जो है BSE बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कि इसी मंथ में जो है आपके रिजल्ट, इसी मंथ में, हाँ, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही, 1 वीक में ही आपके रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर गाइज ये बिहार है ना भाई, मेरे बिहार है, यहाँ पे पिछड़ा हुआ हमारा ये राज्य स्टेट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी जैसे ही आप कर रहे हो ना सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका जो है वेबसाइट, ये काम चलाओ वेबसाइट ये लोग बनाते हैं गाइज। देखो अभी तक वेबसाइट इनका, देखो अभी तक भी वेबसाइट जो इनका, मतलब रिजल्ट तो अपलोड है लेकिन वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। अब वेबसाइट यहाँ पे ढंग से चालू होगा क्या, हो गया हैक कर लेता है इनका वेबसाइट, ये है वेबसाइट हैक कर लेता है क्या यार ये लोग, मतलब एजुकेशन बिहार का क्या एजुकेशन रहेगा, क्या टाइम पे ये लोग कुछ करेंगे। देखो इनका वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा, ये सीनियर सेकेंडरी का वेबसाइट देख रहे हो ना, देखो ये देखो आ गया, ये रंग रूप इनका दिखा दिया, देखो क्या दिखाया, वेबसाइट खत्म है, मतलब इनका वेबसाइट ही जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो रिजल्ट कहाँ से आपका डिक्लेयर होगा, ये वेबसाइट तो सही होगा तभी ना, पता नहीं इनका वेबसाइट क्या हो गया। अरे भाई अगर इतना बड़ा बोर्ड चलाते हो, इतने बड़े स्टूडेंट, इतने लाखों स्टूडेंट यहाँ पे हैं बिहार बोर्ड के हैं, और ये वेबसाइट का ये हाल देख लो, इसी कारण रिजल्ट जो है ये नहीं आ पा रहा। रिजल्ट बिल्कुल तैयार है ठीक है, और ये लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे जब इनका वेबसाइट डाउनलोड जब होगा, जब इनका वेबसाइट वर्क करेगा। वेबसाइट इनका जो है वर्क कर नहीं रहा, बिहार बोर्ड वालों का वेबसाइट बिल्कुल ही फुल्ली यहाँ पे बंद, आपको मैंने नज़ारा दिखा दिया आपको ठीक है गाइज, नज़ारा मैंने दिखा दिया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सीनियर सेकेंडरी का वेबसाइट होता है ना एकदम, हाँ क्या है एकदम इरर बता रहा है, मतलब फंस चुका है, सर्वर बिजी है, जो भी है मतलब बिजी है, बंद है, एक तरह से बंद बोल सकते हो, और ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा सर, थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए ना, लंबा इंतज़ार हो गया, बताइए ये ऐसा ऐसा वेबसाइट आप बना के रखिएगा, स्टूडेंट सब का इस तरह का, इस स्टूडेंट सब का रिजल्ट ऐसे दीजिएगा आप लोग, जो देख रहे हैं हमारे बिहार बोर्ड के जो भी स्टाफ देख रहे हैं, जो हमारे मिस्टर चेयरमैन देख रहे हैं, तो जरा देखिए गौर कीजिए, आप अपना वेबसाइट एक आपका वेबसाइट एक ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट का फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है, बिहार के पूरे स्टूडेंट का फ्यूचर इस वेबसाइट पे पूरा रिजल्ट अपडेट रहता है, क्या हैक हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम्स, हमेशा प्रॉब्लम्स रहता है। आप कम से कम ठीक तो करवाइए इसको, अब रिजल्ट का टाइम हो गया, रिजल्ट मानते हैं कि तैयार हो गया लेकिन यहाँ पे वेबसाइट ही आपका क्रैश कर जा रहा है, तो रिजल्ट कहाँ से दीजिएगा, सोचने वाली बात है ना। तो देखो ये हाल है भाई, स्टूडेंट सब आस लगा के बैठे हो कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इनका वेबसाइट ही नहीं काम कर रहा तो रिजल्ट ये लोग क्या दे पाएंगे, इनके भी बस का नहीं है, ये बात है ना। रिजल्ट कब आएगा, जब वेबसाइट ये लोग सही करेंगे, तो वेबसाइट अभी गया गुजरा है इनका, इस तरह से है, काम ही नहीं कर रहा वेबसाइट, समझ गए ना। तो ये है, स्टूडेंट सब को मैं बोल रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं ये लोग कि यहाँ रिजल्ट इस वीक में आ जाना चाहिए था, लेकिन इनका वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ अपना वेबसाइट सही से ठीक कीजिए और स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे जल्दी से प्रदर्शित कीजिए ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट सब प्रदर्शन कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ये सारी चीज़ें हैं। तो गैज ये है कि इन लोग का कोई कहने वाला है नहीं, तो हमारी मर्जी, खराब वेबसाइट जैसे है, हमको पैसे से मतलब है, हम लोग कुर्सी तोड़ के रहेंगे, हम लोग के स्टूडेंट का फ्यूचर, कैरियर, रिजल्ट के टाइम पे क्या रिजल्ट होता है, क्या टाइम होता है, इन लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। कुर्सी मिल गया है, नौकरी मिल गया है, तो बस एक ही मोटिव है कि पैसा कमाएंगे, फैमिली वालों का जो है एकदम अपने फैमिली वाले को ऐश मौज करवाएंगे, हम भी ऐश मौज करेंगे, गवर्नमेंट को लूटेंगे, बिहार को और गरीब बनाएंगे, स्टूडेंट सब का फ्यूचर खतरे में डालेंगे, यही मोटिव है लोग, कुर्सी पे बैठ के कुर्सी तोड़ते रहो भाई, ये दिख रहा है आपका ठीक है ना। अरे यार जरा देखो तो सही,
पढ़े लिखे लोग हो और इस तरह की कामें हो रही, थोड़ा ठीक से तो करो भाई। क्या बाहर के लोग देखेंगे बिहार का ऐसे यार, यहाँ पे एक मतलब जो स्पोर्ट्स है ना क्रिकेट नंबर 1 पे चलता है इंडिया में, हर जगह यहाँ पे तरक्की करी है, बिहार में एक स्टेडियम तक ये लोग नहीं बना पा रहे। ये नीतीश कुमार हमारा पलटू राम पता नहीं क्या करता है। इस बार स्टेडियम वो मुख्यमंत्री तेजस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोला था तो इन लोग पलटी मार दिया, ये इसने किसने नीतीश कुमार ने, चला गया इधर अभी खतरे में चला गया, ये क्रिकेट स्टेडियम बन गया होता ये लोग। यार इसी तरह ये लोग भविष्य आना फ्यूचर स्टूडेंट का जो क्रिकेट खेलने वाले इनका सबका यहाँ पे जो है दाव पे लगा हुआ, ऐसे लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। यार टेंशन ना लो ठीक है, तुम लोग जो नए नए हो ना जागरूक बनो और इन लोगों को सपोर्ट मत करो बिल्कुल भी, ये लोग तुम्हारा भविष्य खराब करें, टाइट बनो ठीक है ना। जब तक चढ़ के नहीं रहोगे अपने हक की लड़ाई तो ये लोग नहीं तुम्हारा ऐसी क्या करेंगे, ये फायदा उठाते रहेंगे ठीक है ना। बी बोस ऑफिस जाओ, बिहार बोर्ड ऑफिस जाओ, तानाशाही करो ठीक है, क्या रिजल्ट कब देगा यार तुम लोग, ऐसे बोलो ठीक है। टाइम हो गया, हम रिस्पेक्ट तभी तक करो जब तक चीजें आप एक लिमिट में हो, लिमिट पार हो तो जाओ, जितने ऑफिस जितने स्टूडेंट ना देख के आ रहा हो, जब बिहार बोर्ड के ऑफिस जाओ ठीक है, बोलोगे रिजल्ट कब दोगे हमारा, इतना टाइम हो गया क्या चल रहा है ये हमारा, क्या रिजल्ट कब दो, ऐसे बोलो तब देगा रिजल्ट तुम लोग का, समझा। तुम लोग समझदार नहीं है यार, हम लोग के साथ होता है तो डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होता है सीधे जाओ, जब तक सर पे नहीं बैठोगे तब तक ये लोग रिजल्ट नहीं देने वाले ठीक है ना। ये सारी चीजें ऐसा है, घर बैठे थोड़ी रिजल्ट दे देगा, प्रॉब्लम्स है। एक बार तुम लोग झुंड बनाकर जाएगा ऑफिस में कि क्या हुआ हमारा रिजल्ट नहीं देने का मन है आप लोगों का, 2 मिनट में तुम्हारा रिजल्ट दे देगा, बोलता मरता क्या नहीं करता ठीक है ना। जब जान पे बात आएगी तो कुछ भी करके ये लोग दे देंगे, ऐसे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बोलने से क्या होता है कि बेजती तो इन मतलब बेशरम तो ये पहले से ये लोग ठीक है ना। क्या ये मैं बोलूँ इन लोगों को, इनको कोई शर्म ही नहीं आता, शर्म किसको बोलते हैं इनको पता ही नहीं है कुछ ठीक है। ये सारी चीज़ें समझेगा इस ये वाली बातें हैं, तो जब तक इनके सर पे नहीं बैठोगे तब तक नहीं ये लोग रिजल्ट देने वाले, ये समझे। ये है मेरे कहने का मतलब है, किसी से मतलब अगर तुम्हारे के साथ बुरा हो रहा है तो ज़्यादा बुरा मत होने दो, तो ऐसे फायदा उठाएंगे ये लोग ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है। अपना सीधा साधा, अपना बिहार इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप लोग आसानी से बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। अच्छे लोग हमारे चैनल पे, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो बताते हैं तो हवे में उड़ा देते हो, तो लोग घर बैठे एकदम जो मन होता है आओ यहाँ पे बीवोस ऑफिस आओ, बिहार बोर्ड ऑफिस आओ और बोलो, तब ना हुआ घर बैठे एकदम हाँकते रहते हो, कुछ करो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे जा करके रिजल्ट नहीं मिल रहा तो सीधे ऑफिस जाओ कि क्या हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक बार बोल लोगे दूसरे बार से ये लोग सोचेंगे ना ऐसा करने का, समझ गया ना। तो जितने भी स्टूडेंट हो ये है तो दब के मत रहो, अगर नहीं मिल रहा है अगर 10 तारीख जो भी है रिजल्ट वैसे आने वाला है, मैं आपको बता देना लेट तो हो ही चुका है, लेकिन एक वो होता है एक टाइम टेबल होता है भाई, अभी 2 महीने के बाद भी आपका क्या है कि सर्वर ये देखो सर्वर इस तरह से फंसा हुआ है, यहाँ पे अभी मैं लाइव यहाँ पे चेक करता रहा हूँ, यहाँ देखो इनका सर्वर ही यहाँ पे ख़त्म है, काम ही नहीं कर रहा है, बंद पड़ा हुआ है। तो रिजल्ट ये लोग क्या देंगे, तो रिजल्ट बिल्कुल तैयार है फिर भी यहाँ पे व्यवस्था इनका इनका ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जब मन अगर वेबसाइट ख़राब है बंद है तो ये लोग सही करवाएंगे ना, वेबसाइट भी इनका सही नहीं चल रहा है, तो रिजल्ट तो इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा भाई, कहीं और अलग प्लेटफॉर्म से तो रिजल्ट आने नहीं वाला है वेबसाइट के माध्यम से, यार यही खराब है इनका, तो कहाँ से रिजल्ट ये लोग अभी करेंगे। तो रिजल्ट ये ठीक होगा तो रिजल्ट आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं तो इनको ठीक करना चाहिए। देखो ये क्या हो गया, ये बंद, ये क्या हो गया, दिस साइट कैंट बी रीचेड, क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी तक रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं क्या, मेरे को पता नहीं यार क्या कर रहे हैं ये लोग, बारात निकालेंगे रिजल्ट का ठीक है। एक 40,000 स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं दिया, क्या बिहार बोर्ड का ही रिजल्ट टाइम पे आना चाहिए 10 दिन में भी, ये जो बीबोस का एग्ज़ाम लेने का रिजल्ट कब आएगा, ये इनको कुछ अता पता ही नहीं है यार, ये यही तो बात है। ये सारी चीज़ें हैं गाइस, देखो मैंने आपको बता दिया गाइस, इनका सिस्टम ही ख़राब है। वैसे गाइस मेरे को जो जानकारी मिली है तो मैं आपको बता देने वाला हूँ, आपका रिजल्ट जो है इन लोगों ने बोला है कि इसी वीक में आने वाला, अब देखो वेबसाइट ठीक हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इन्हीं कुछ दिनों में, समझ गए ना। ये सारी चीज़ें हैं तो मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया, अपने तरफ से मैं क्लियर हूँ और जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट, बोर्ड की तरफ से जो आती है वही देता हूँ मैं, इधर अपनी तरफ से मैं कुछ मिठास जो है इधर उधर से मसाला नहीं बना के मैं आपको
देता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो समझ गए। और चलो यार एग्जाम वाले स्टूडेंट का मैं बता देने वाला हूँ, देखो फिर भी जो व्यवस्था है चलो ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता देने वाला हूँ कि एग्जाम जो है जून 23 का, दिसंबर 23 का जो है मार्च में बोला गया, ठीक है ना। तो एग्जाम एडमिट कार्ड डेट शीट आपका आएगा, ये भी मैंने आज ही जानकारी ली, ये भी मेरे को आज ही हाथ से जानकारी मिली है, समझ गए ना। ठीक है, वीडियो हो चुकी है लंबी का, ज़्यादा मैं बोलने नहीं वाला हूँ, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। और अभी जिस तरह का सिचुएशन है, इसी माहौल में आप अपना इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। एग्जाम डिले तो हो ही गया, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ रिजल्ट ये वीक में आएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में। ये वेबसाइट 1-2 दिन में मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए, कल सही हो जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, परसों, जब भी ये सही हो जाएगा आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, अपलोड है, डिक्लेयर हो जाएगा, ये रिजल्ट वेबसाइट सही होगा। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें हैं तो देख लो कब सही होता है। ओके, तो मैंने अपने आप से कंफर्म कर दिया, जब वेबसाइट सही होगा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, डाउनलोड करके मैं बताऊंगा। एग्जाम की मैं बात कर लेने वाला हूँ गाइज, मार्च में होने वाला है दिसंबर 23, तो एग्जाम की तैयारी करो, क्वेश्चन पेपर ले लो, एग्जाम पढ़ाई करते रहो, ठीक है गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो चलिएगा इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, बहुत लंबी वीडियो, लेकिन सारी जानकारी देने को मेरे को पड़ती है, ठीक है, ये एक एक पहलू पे, एक एक टॉपिक पे बात करना पड़ता है, नहीं तो आपका रिजल्ट कभी और एग्जाम में लोग टाइम पे लेंगे नहीं। ये बातें जब पहुंचेंगी बोर्ड तक, लोगों तक पहुंचेगी तो टाइट होंगे, हाँ भाई गलती कर रहे हैं क्यों नहीं, तो सही करेंगे ये लोग और करेंगे आपका काम, समझ गए ना। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जब वीडियो नहीं बनाया था तब तक आपका मार्च में एग्जाम नहीं होता, जैसे मैंने बोला तैसे इन लोगों ने डेट निकाल दिया, समझ गए ना, आपका यही है, फिर मैं बोलूँगा फिर डेट निकल जाएगा, समझ गए ना, ये सारी चीज़ें। तो घबराओ मत, तुम लोग, तुम्हारे साथ हम लोग सपोर्ट में है, तुम्हारे सब सारा कुछ कैरियर बर्बाद नहीं होने देंगे, ये सारी चीज़ें। चलेगा इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करें, और मिठाई तैयार रखें, रिजल्ट हम लोग बताएंगे, एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है, थैंक यू सो मच।